विक्रमजीत सिंह भारत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिभाशाली अभिनेता और मॉडल में से एक है। पंजाबी लड़का मूल रूप से हरियाणा भारत से आता है, जबकि एक पंजाबी सिख किसान परिवार से। उनका जन्म 19 जुलाई 1984 को सुखाता सिंह विक और हरिंदर कौर के विक के घर हुआ था। बॉलिंग और अभियान की दुनिया में शामिल होने के दिन से ही वह शानदार काम कर रहे हैं। निस्संदेह उन्हें अपने करियर जीवन में बहुत लोकप्रियता मिली है और यह उनके लिए एक बड़ी जीत है। फिर भी अभिनेता को कम महत्वपूर्ण प्रोफाइल में रहना पसंद है, लेकिन उनमें काम की प्रकृति उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। खैर, उनकी स्थापित सफलता के पीछे एक रहस्य है। एक बहुभाषी स्टार होने के नाते उनमें कई भाषी फिल्मों में काम करने की क्षमता है, जैसे हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने हिंदी भाषा की फिल्मों में आने का मौका नहीं छोड़ा। यह गुण अपने कैरियर जीवन में गुप्त चटनी के रूप में मानता है। वह तो कमाल है ही। अभिनेता ने कई फिल्मों में अभियान किया है और खुद को हिंदी सिनेमा में एक बेहतरीन स्टार के रूप में स्थापित किया है। शुरुआत में विक्रमजीत सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की। 2003 से 2010 तक उन्होंने कई उल्लेखनीय ब्रांड और मॉडलिंग एजेंसियों के लिए काम किया। बाद में उन्होंने अपने जुनून को अभियान के क्षेत्र में बदल दिया और फिर वह असंख्य टेलीविजन तारक और फिल्मों में दिखाई देने लगे, जिसके लिए उन्हें सभी का सराहना मिली। विक का एक सफल अभिनेता बनने का सपना रहा। अपनी साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। अपने स्कूल के दिनों में वह अपने दोस्तों के बीच एक प्रमुख लड़के थे, जिन्होंने हमेशा उनके सुडौल शरीर और मांसपेशियों के कारण उन्हें मॉडलिंग को करियर बनाने का सुझाव दिया। 2003 में विक दिल्ली चले गए, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्हीं दिनों ने मॉडलिंग शुरू कर दी और कई मॉडलिंग असाइनमेंट पर काम किया। उन्होंने सबसे पहले लैक्मे इंडियन फैशन वीक के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने 2010 में तक मॉडलिंग जारी रखी। 2010 में उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बॉलीवुड फिल्म उद्योग में ऑडिशन देना शुरू कर दिया। सौभाग्य से उनका चयन हो गया और उन्होंने खेले में हम जी जान से नामक फिल्म से डेब्यू किया, जिसका निर्देशन आशुतोष गोवारिकर ने किया था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अभिनेता के तौर पर काम करते रहे। और खैर, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपना शानदार करियर स्थापित किया और व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। एक एथलीट के रूप में उन्हें राष्ट्रीय युवा कबड्डी चैंपियन में अपना जन्म शहर हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया और स्कूल और राज्य प्रतियोगिता के लिए बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में भाग लिया।